वह प्रचंड लख निज बपु कामा रिषत नयन मन मद मत वाली अरूठत रिझत प्रणय पर भामा लादो प्रियतम सुंदर बाली। और उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। तब फिर मैंने वहां से लगा कि मैं कविता लिखूं। भावों की श्राविश चरिता में जब भी रवि की रश्मि पड़ी तो व्यथित पंक उर में पंकसी पुष्पित होती मुझ में कविता। सिर्फ एक प्रतीक कान की बाली के ऊपर केंद्रित है जिसपे नायक और नायिका की पूरे सिंगारिक रचना है जिसमें वियोग पक्ष भी है और सिंगार पक्ष भी है, संयोग पक्ष भी है। तो आपने उसे रचना की कहाँ से, विचार कहाँ से आई? यौवन ही आभूषण तेरा तपसी का तप कर दे खाली, व्यापा यह नख सिख जो तेरे क्या होगी वह कंचन वाली। तुम्हारी तो शरीर जो है स्वर्ण जैसी सुंदर है, बाली का क्या, तो बाली क्या करोगी। हमने कान की बाली को लेकर के एक खंड काव्य बन गया कि कंचन कामिनी कुंजन कुंजन कुकत कुक बजावत ताली, प्रेम के भाव विभोर जिया में पिया के हिया की रही मत वाली, काल के गाल निहाल किया है लिया हरी हाथ से आगे के थाली, सोची रही मन ही मन बावरी काल हुई यह कंचन बाली। एक अंग से जो है तो उसके सौंदर्य की अनुभूति को व्यक्त करने का प्रयास, और ये निर्णय करती है कि मेरे जीने का कोई मूल्य नहीं है, मंदिर में जाती है, आत्महत्या का प्रयास करती है। माँ भगवती उसे आशीर्वाद देती है, कहती है कि तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम्हारा समर्पण धन्य है और तुमने मृत्यु को जीत लिया। और लौट के आती है तो उसका पति जीवित मिलता है और दोनों का पुनर्मिलन होता है, ये सुखांत हो जाता है। राजत रजत पाऊ कटी तन मम युगल श्रवण लहरन है खाली, अब मेरे ललक प्राण प्रिय नहीं कम पहनू लहरन कंचन बाली। एक दिन ऐसा भी आएगा हम भी नहीं हम शब्द नहीं तब भी व्यथित व्यथा को संचित किए रहेगी मेरी कविता। आइए व्यथा एक ऐसी व्यथित कौन था जिज्ञासा जब भी होगी तो झट रो रो यह उत्तर देगी वह मेरा मैं उसकी कविता।